पंजाब टुडे देख रहे दर्शकों का स्वागत है हमारे एक्सक्लूसिव so, हम प्रोग्राम विद विशाल सूद लिए सीईओ ऑफ पंजाब टुडे चैनल विशाल सूद सर वेलकम सर थैंक यू सर नेशनल अपडेट से स्टार्ट करते हैं सर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट के कास्ट सर्वे के अगेंस्ट जो पिटिशन दर्ज की थी उसको खारिज कर दिया है और उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट नॉट इश्यू सच गाइडलाइंस एंड हमने देनी है बिहार गवर्नमेंट ने सो दिस कास्ट बेस सेंसर शुड गो हेड ताकि प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन की जा सके पर्टिकुलर कास्ट तो उनको उसकी प्रोपोर्शनेटली रिजर्वेशन बेनिफिट दिए जा सके एंड जो पिटिशन थी विच सेट दैट कास्ट बेस्ड सेंसस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ इन माई हम्बल व्यू मेरे को ये लगता है कि कास्ट कोई कॉम्पिटेंसिज बट इट इज नॉट इन द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाई आई एम सींग दिस कि अगर आप लोगों को जो भी राइट्स और चीजें देनी है कास्ट के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है.

इस तरह से लाने की कोशिश कर ऑन दी सर्फेसर में रिजर्वेशन मिले रिजर्वेशन हीस्ट kind of है हाँ टेम्परेरीली जब तक जिन लोगों के साथ हिस्टोरिकली यू नो कुछ चीजें अनफेयर हुई है ताकि उनको एट पार लाया जाए वो एक टेम्परेरी मेजर्स होने चाहिए पर जब आप कास्ट बेस सेंसस करके उसके बेसिस पे आप लोगों को यू you नो know, चीजें दोगे या उनको अपॉर्चुनिटीज दोगे या किसी भी जॉब रोल में या एजुकेशन में उनके लिए रिजर्वेशन करोगे उससे आप बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट है उसको हर्ट करते हो आप कैसे हर्ट करते हो अब आप बीच में मिडल मैन क्रिएट करते हो कि हर कास्ट का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपके बिहाफ पे नेगोशिएट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जबकि कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन आर कंट्री एंड अस एंड इंडिविजुअल वेर इट गिवस मी सर्टन राइट फ्रॉम वट कास्ट और क्रीड आई माइट बी तो मेरे को ये लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग you know, kind of, को है टू अलाउ यू नो बिहार गवर्नमेंट टू गो हेड चैलेंजेस आएंगे आप डिवाइड कर रहे हो एंड कास्ट इज नॉट पार्ट ऑफ आर कल्चर हमारे यहां पे वरण होते थे कास्ट नहीं होती थी कास्ट वाज अ टूल यूज्ड बाय पीपल हु जिन्होंने हमारे ऊपर रूल किया टू डिवाइड अस आज हमारा ही सिस्टम हमें फिर कास्ट सिस्टम में यह करके ये उस चीज को काफ सुपर इम्पोज कर रहा है जी। उस चीज को काइंड kind ऑफ of कर रहा है कि आप लोग डिवाइडेड हो कास्ट में जबकि वो हमारी हेरिटेज और हमारी जो लेगेसी है जो इंडिक वैल्यू सिस्टम उसका पार्ट नहीं रहा है वो क्रिएट किए गए थे डिवाइड्स एंड फिशर्स और यही जो हमारी जो कंट्री है जिसके अंदर इतनी पोलैरिटी है उसको जब आप इन चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दोगे

फिर उसके बाद यू you नो know, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन टर्म्स ऑफ स्पिरिट तो डेफिनेटली है जैसा मैंने बोला आई एम नॉट अ लॉयर तो ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये मेरे को आइडिया नहीं है तो मेरे को ये लगता है कि हमें अपने आप को तोड़ने के और रस्ते ढूंढने की बजाय कॉमन और उसका बेस्ट तरीका है राइट ऑफ एन इंडिविजुअल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर इंडिविजुअल को राइट right प्रोवाइड करता है किसी कास्ट को राइट right नहीं प्रोवाइड करता तो अगर आप कास्ट बेस्ड आप उसकी काउंटिंग करके उनकी यू नो सेंसस करके उसके बेसिस पे आप उनको रिसोर्सेज एलोकेट करोगे मेरे को तो फंडामेंटली एक एक कॉमन सेंस है तो मेरे को अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है एंटी कॉन्स्टिट्यूशन अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं भी है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल तो डेफिनेटली है सर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर का मानना है कि ये जो थर्टीन अमेंडमेंट है इसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी क्रिटिकल है रिकनसाइलेशन के लिए तमिल कम्युनिटी के साथ और उनका मानना है कि इंडिया हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ श्रीलंका लुक व्हाट बेसिकली जो थर्टीन uh, मैंने 13 ये नहीं पड़ा। नहीं पड़ा। मैंने वाला पार्ट नहीं पढ़ा मैंने सिर्फ फाइनेंशियल वाला पार्ट पढ़ा है तो अगर आप सिर्फ फाइनेंशियल से रिलेटेड कि इंडिया इज सपोर्टिंग देर इकोनॉमिक वेलबिंग तो मैं ये वाला पार्ट हम फिर कर लेंगे ओके okay. एक्सटर्नल इकोमिकल एंडलबिलिटी अब इंडिया ने टू पॉइंट फोर बिलियन डॉलर का जो लोन आई एम एफ से श्रीलंका को मिलना है उसकी अंडर राइटिंग करने को काइंड ऑफ अंडर राइटिंग इसको बोलेंगे जो आपके दूसरे क्रेडिटर्स हैं दे आर

it took out all the vibrancy and created lot of risks with the Sri Lanka at the same time creating very strong differences with India also. But India played its foreign policy very well and now India is coming out very aggressively I would say very I would in a very very <coughs> neighborhood manner India ki foreign policy and neighborhood first.

राइडर शुड बी वेरी सिंपल राइडर इज नॉट की हम माने चाहे ना माने इट इज अ लॉन्ग टर्म थ्रेट वेयर चाइना कैन ब्रिंग इन इट्स वॉरशिप क्योंकि पूरा कंट्रोल उनके पास है दे कैन ब्रिंग देयर वेपन दे कैन है नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग इट्स असेट्स कैन ब्रिंग इट देयर आर्मी ओवर देयर चाइना ने तो ऑलरेडी रफली हंड्रेड प्लेसेस में अपने पुलिस स्टेशन बना दिया आउटसाइड कंट्री विच इज नॉट लीगल जो दुनिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है मैं यूनाइटेड नेशन के नाम से बोलूं तो आप अपने पुलिस स्टेशन दूसरी कंट्री में नहीं बना सकते बट दे है उनके कुछ पुलिस स्टेशन पर इंटरनेशनल रेट भी किया तो मेरे को ये लगता है कि इंडिया अगर ये फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं मिनिस्टर हैज ऑल द एक्सपीरियंस एंड इन एंड विजन टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंडिया वो इंश्योर करेंगे कि श्रीलंका फ्यूचर में कभी भी इस सिचुएशन में ना आए कि चाइना या जो भी एंटी नेशनल फोर्स एंटी इंडिया फोर्सेस हैं वो श्रीलंका को लीवरेज ना कर पाए इंडिया के अगेंस्ट बिकॉज श्रीलंका की लोकेशन इंडिया के बहुत नेबरहुड में तो है ही इट्स हमारे जो मैरीटाइम जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके अंदर बहुत बड़ी हिंड्रेंस बन सकती है अगर श्रीलंका की स्पेस को या उनकी मरीन जो कोस्टलाइन्स हैं या उनके अंडर जो एरिया आता है मैरीटाइम एरिया आता है अगर वो एंटी इंडिया के लिए यूज हुआ तो इंडिया के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है सर इंटरनेशनल अपडेट से स्टार्ट करते हैं चाइनीज प्रेसिडेंट ज़िंगपिंग हैज हेल्ड अ वीडियो कन्वर्सेशन विद द सोल्जर्स डिप्लॉयड अलोंग द इंडिया चाइना बॉर्डर एंड ही इंस्पेक्टेड द कॉम्बैट रेडीनेस ऑफ द सोल्जर्स आल्सो व्हाट इज ही अप टू लुक ज़ी ज़िंगपिंग एज़ आई रिपीटेडली सेज़ इज़ वरिड अबाउट वन थिंग that is staying in power hmm. and only thing that can stop him from staying in power is people of china just then wo jayenge even they will become aware of their rights and what democracy means what fulfillment it brings and how it can you know bring together a country towards progress for a long term that is what he is worried about basically now the point is that whenever you are weak politically now there, there has been revolts again against him in china there is a communist party leaders you know who are in position of power they are also unhappy because whole decision making has become centered around one person which is mm -hmm. very dangerous for the country now china p lot of p economically also the growth that was going on for so many decades has come to a halt other asian countries as well as some other developing countries are taking away a lot of manufacturing competence from china. when economy is also going down, when unrest is there, when health problem is there, what does a tyrant do? Hmm. only one thing, pick up a fight, create a big enemy. now what china tried to do was create a bigger enemy in usa wh when the taiwan conflict happened last year, when the uh, speaker of uh, us congress went over there. now the question is, can china take on us? the clear-cut answer is no. Because China imports eighty percent of its energy and food, and U.S. Navy runs the, all the oceans. They control all the trade routes. Hmm. If they stop, if they want, they can bring China to halt in a day, not even weeks. In a day, they can bring them to halt. Hmm. Now they know that you know we have to create this well when thing when you are empty stomach, but keeps you going. Patriotism, hmm. nationalism. So they want to create conflict and don't blame xi jinping. you blame him for wrong policies being a tyrant, taking away people's right. but readiness of an army is important. he has to check as a president of the country, he has to check the readiness of his soldiers. Hmm. now the question is what we should do. we should not think that it will never happen. we should prepare ourselves for the worst case scenario. we have to build our infrastructure. We are already 60 years behind. We started building our infrastructure only in the last decade. Before that, what we thought was that conditions will be so poor, they will not like to come over here. Hmm. Now, I don't know what kind of logic that was. If someone can develop infrastructure on their side of the border, once they take over, they will develop over here also. And hmm. they will keep on coming over here. So, the point now is that with China's economic progress and the kind of infrastructure they have developed, we have no other option left but to check our own readiness. last couple of events have shown that now we are better prepared but i think it will take us another decade to finally create enough deterrence that xi jinping or any other communist party leader does not even dream of attacking you know this side of the border ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੀਗਲ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ एक्सपर्ट्स ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗਰਾਉਂਡਸ ਤੇ ਕਾਫੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਅਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੀਗਲ ਵੈਰੀ ਆਬਵੀਅਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈਸ ਆਸਕ ਟੂ ਓਪਨ ਸੋ ਇਟ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਾ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਬਜੁਡਾਈਜ਼ ਕੈਨ ਨਾਊ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੇ ਥੈਟ ਆਲਥੋ ਦਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ਐਸ ਪਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਡ ਵਰਕ देयर बेसिकली वेस्ट ट्रीटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम आर इन प्लेस कैन सी एम स्टिल से लीगली दैट आई वॉन्ट टू कलोज दिस फैक्ट्री अंटिल दर इज अ वेरी क्रेडिबल रिपोर्ट जी कही होते कारण एस हेल्थ में एनिमल हैल्थ या पीपल हैल्थ या सॉयल हैल्थ या वाटर हैल्थ में बहुत नुकसान हो रहा है जी वह नॉर्म्स के नाम अपनी फैक्टरी चलाते हैं हाउ कैन चीफ मिनिस्टर स्टॉप दैट फैक्ट्री जस्ट बिकॉज सम पीपल आर प्रोटेस्टिंग अनफॉर्चूनेटली ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨਾਉਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲ ਜਿਓ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕੀ ਕੰਟੇ ਕੰਟੇ ਕਈ ਕਈ ਕੰਟੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਮਸ ਫਸੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਸਾਈਨ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਕਿ ਵੈਦਰ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਨ ਯੂ نو ਸੀਐਮ ਮੂਵ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰਸ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਰ ਸੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਆਫ ਦਿਸ ਆਫ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ অর ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜੇ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਵਾਈ ਵਿਲ ਸਮਵਨ ਇਨਵੈਸਟ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਕਰੋੜ ਰੁਪੀਸ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਪਾਰਟ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਆਰ ਸਿਸਟਮ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਟਸ ਅ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਸਾਡਾ ਮੇਜਰ ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਡਰਾਈ ਸਟੇਟ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਇਸਟੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਰੈਸਪੈਕਟ ਨੇ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਲੁੱਕ ਲੀਡਰਸ ਵਿਲ ਬੀ ਲੀਡਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਮ ਬਿਗ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੀ ਵਿਲ ਸੈਲ ਇਟ ਆਫ ਹੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਇਟ ਆਫ ਨੂੰਕਸਾਨ ਹਤਾ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਰਿਚ ਪੀਪਲ ਆ ਗੋਣਾ ਸਟੇ ਰਿਚ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 1200 ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪੈਣਗੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਿਲਾਇਬਲ ਜੌਬ ਮਿਲੇ ਇਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਟ ਇਸ ਦਿਸ ਹੋਲ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁਟ ਪੰਜਾਬਸ ਇਮੇਜ ਈਵਨ ਡਾਊਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਨੇ ਲੋਨ ਨੇ ਹੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਯੂ نو ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਚੈਂਬਰਸ ਜਾਂ 10 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਨ ਡਿਸਟਲਰੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਏਗਾ ਜਿੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਗਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਉਸ ਫਾਈਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸੋ ਮਨੋਇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਜਾਂ ਪੌਪੁਲਿਸਟ 뷰 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰ ਡਿਜ਼ਨ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੜਵੇ ਕੁੱਟ ਪੀਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੈਂਡਸ ਵਿਦ ਯੂ نو ਬਿਕੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਸੁਪਰੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਨ ਇਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੀ ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਫੈਕਟਿੰਗ এনवायरमेंट ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਕੁਝ ਯੂ نو ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਹੁਣ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਲੋਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਊਗੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਸ਼ੀਲੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਨ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਟ ਇਜ਼ गुड टू स्टे ऑन द दैफ्ट साइड ऑफ द रोड पर रोंग साइड से चलाई जावा कही जाए रूल फॉलो करने चाहिए है, पर रोंग साइड से ट्रिपलिंग करके बिना हेलमेट के गड्डी चलाई जावा शराब पी के गड्डी चलाई जावा मेरे कहन का फिर की मतलब है पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक यस हूँ ही आप डिस्कशन की कि एक फैक्टरी बंद कर देगी सर सीएम ने, ने कहता बंद कर दो करनी पेगी यू नो देर इज इनफ पावर इन द एगजैकटिव है ना हूँ प्रॉब्लम है वा

ਹਨ ਗਈ ਫालतू ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100-100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਹੇ that is a wasteful expense ਕੋਈ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਡੋਨਟ ਨੀਡ that kind of ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨੀਡ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਸਟਫੁਲ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੈਲ ਆਫ ਲੁਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੇ 20 25 30 ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਫਕਰ ਨਾਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਕਿ 87 ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਇਹ ਫੇਸ ਟੂਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਥਿਉਰੈਟਿਕਲੀ ਇਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੀ ਸਟੈਪਸ ਦੈਟ ਆਰ ਬੀਂਗ ਟੇਕਨ ਉਹ ਸਿੰਗ ਜਿਨੀ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਟਸ ਅ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਯੂ نو ਹੋਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਾਈ ਬਾਈਪੋਲਸ ਹੋਣੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ that is the tough choices true leaders make तो so, बहुत-बहुत धन्यवाद टोडा सर साडे नाल जुने लई थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल इनसाइट्स सो so, सही खबरों के अनबायस्ड विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ देखते रहिए इनसाइट्स विद विशाल विचांस एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड अपलोड आवर थैंक यू